हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर जो मेरा लेक्चर सीरीज है उसका यह 10वां और आज आखिरी लेक्चर है। यदि हम हिंदी आलोचना के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखकर चलते हैं तो हिंदी आलोचना के विकास के चरणों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय के हिंदी, उनसे पूर्व की हिंदी आलोचना, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, इसके बाद शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की जो हिंदी आलोचना है उसको पुनः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना और उसके बाद शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय की हिंदी आलोचना, और उसके पश्चात शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद की हिंदी आलोचना, जिसको हम पुनः 5 धाराओं में विभाजित कर सकते हैं। स्वच्छंदतावादी हिंदी आलोचना, ऐतिहासिक हिंदी आलोचना, मार्क्सवादी हिंदी आलोचना और मनोविश्लेषणात्मक हिंदी आलोचना और नई समीक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे नई समीक्षा। नई समीक्षा क्या है, उसके प्रमुख आलोचक कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन सी है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं नई समीक्षा क्या है। 1950 के बाद हिंदी आलोचना नए संदर्भों में नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नई दिशा में अग्रसर हुआ। मतलब हिंदी आलोचना जो है, अब नए नए प्रकार के साहित्य लिखे जाने लगे तो पुराने जो मापदंड थे, पुराने मानदंड थे जो आलोचना के, वे पर्याप्त नहीं थे, इसलिए हिंदी आलोचना 1950 के बाद नई दिशा में अग्रसर हुई। नई आलोचना से पूर्व किसी कृति को आंकने और परखने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे थे वे मुख्यतः आलोचना के अपने मानदंड के आधार पर थे, किंतु नई आलोचना में कृति को ही आधार बनाया गया। इससे पहले की जो आलोचना थी विभिन्न प्रकार के वादों में विभक्त थी, जैसे मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है इत्यादि, तो उनके अपने मापदंड थे। लेकिन नई कविता या नया साहित्य जो आ गया तो उसकी आलोचना करने के लिए कृति को ही आधार बनाया गया। अतः प्रचलित पद्धतियां जैसे रसवादी समीक्षक हुआ करते थे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, ऐतिहासिक आलोचना जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे, मार्क्सवादी आलोचक, मनोविश्लेषणवादी स्वतः धूमिल पड़ गई। हालांकि नई समीक्षा पद्धति भी पश्चिम से ही ली गई है। तो जो नई समीक्षा है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नियो क्रिटिसिज्म, यह वहीं से लिया गया है। यहाँ एक बात ध्यान में रखें, यह जो नई समीक्षा हम जो पढ़ रहे हैं यह हिंदी साहित्य की आलोचना पद्धति पर आधारित है, और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के ऊपर नई समीक्षा पर मेरा एक सेपरेट लेक्चर आएगा, ये ध्यान में रखें। तो यह जो हम नई समीक्षा पढ़ रहे हैं यह हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास से संबंधित है, और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत नई समीक्षा है उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा, यह ध्यान में रखें। हालांकि यह भी वहीं से ली गई है। नई आलोचना में रचना की संगति पर विशेष ध्यान दिया गया, मतलब विभिन्न तत्वों के बीच में क्या सामंजस्य या संगति है, रचना के ताने बाने, उसके स्वाद के साथ साथ उसकी मूल्यगत प्रासंगिकता को भी मद्देनजर रखा गया, इससे आलोचना कृति की तह तक पहुंच सकी। तो नई आलोचना में क्या किया गया, नई आलोचना का जो ताना बाना है, किस प्रकार से नई नई उस कृति की रचना की गई है, उसके मूल्यगत प्रासंगिकता क्या है, क्या जीवन मूल्य उसमें समाहित है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। मतलब रचना में सौंदर्य बोध भी होना चाहिए और उसमें लोक कल्याण की भावना भी होना चाहिए और उसमें जीवन मूल्य भी समाहित होने चाहिए, और इन सब के माध्यम से आलोच्य कृति की तह तक, गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया गया। व्यक्ति स्वातंत्र्य के सिद्धांतों को लेकर साहित्य की जो धारा इस काल में विकसित हुई और उसके मूल्यांकन के लिए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ उन्हें इस वर्ग में रखा गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक जोर दिया गया नई समीक्षा में या नए साहित्य में, और उसके मूल्यांकन के लिए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उन्हीं सिद्धांतों को हम नई समीक्षा के अंतर्गत रखते हैं। मतलब नई समीक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, व्यक्ति स्वातंत्र, उसे नई कविता या नवलेखन के अनुरूप नई आलोचना या नई समीक्षा नाम दिया गया। तो उसमें नई कविता शुरू हुई थी, नवलेखन शुरू हुआ था, उसी के आधार पर इसको क्या है, नई आलोचना या नई समीक्षा का नाम दे दिया गया। इस वर्ग के आलोचकों ने व्यक्ति स्वातंत्र को जीवन का सर्वोच्च मूल्य स्वीकार कर साहित्य की नई मर्यादाओं की स्थापना की। तो जो नई समीक्षा के जो आलोचक हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, व्यक्ति स्वातंत्र, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया और साहित्य की आलोचना के नए मापदंडों का निर्धारण किया। उनका मानना है कि सामाजिकता ने व्यक्ति की चेतना को कुंठित कर दिया है,
अपनी कमजोरी, अनुपयोगिता और लघुता के एहसास से वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य खोकर समूह और समाज का दास बन गया है। मतलब यह माना जाने लगा उस समय कि व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा समाज के जो नियम कानून है, जो मापदंड है, मर्यादाएं हैं, उनके दबाव, उनसे दबाव महसूस कर रहा है व्यक्ति, और वह अपने आप को कमजोर समझ रहा है, अनुपयोगी समझ रहा है, लघु समझ रहा है, छोटा समझ रहा है, और इन सब कारणों से वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य खो चुका है और समाज का दास बन गया है। व्यक्ति को इस दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा करनी है, जो कि बौद्धिक जागरूकता से ही संभव है। यही साहित्य की नई मर्यादा है। तो जो नई समीक्षा है, नई आलोचना ने क्या क्या कहा कि व्यक्ति को इस समाज के दासत्व से उसको मुक्ति प्राप्त करनी है और अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होकर उसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तो इस प्रकार जो नई समीक्षा है वह क्या है, बौद्धिक जागरूकता को महत्व प्रदान करती है, क्योंकि जब व्यक्ति बौद्धिक रूप से जागरूक होगा तभी वह समाज की दासता से मुक्त हो सकता है, और यही नई साहित्य की मर्यादा है। मानवीय मूल्य मतलब जो जीवन मूल्य है, बौद्धिकता, तार्किकता, आधुनिकता, क्षण के महत्व, सृजनात्मकता, विषय की उपेक्षा, विषय की उपेक्षा मतलब विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है यहाँ पर, काव्य का महत्व एवं कलाकार के अंतर्मन की परख आदि साहित्य मूल्यों के साथ ही नए समीक्षक ने काव्य में लय के प्रश्न को भी उठाया कि क्या काव्य लयबद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इन सारे कलाकार के अंतर्मन की परख मतलब उसके मन में के अंदर झांकने का प्रयास किया गया, उसमें साहित्य के नए नए मूल्य स्थापित किए गए, मूल्यों की स्थापना की गई। तो नई आलोचना में इन सब चीजों को महत्व प्रदान किया गया। हिंदी आलोचना में नई आलोचना के प्रयास अज्ञेय से शुरू हुए, उन्होंने शुरुआत किया नई आलोचना की, और इसे आज तक आलोचकों ने न केवल अपनाया बल्कि इसे नई दिशा और नए आयाम भी दिए। अज्ञेय के साथ साथ जो अन्य आलोचक इस पद्धति से जुड़े उनमें से कुछ प्रमुख की चर्चा यहाँ की जा सकती है। तो नई आलोचना की शुरुआत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने की थी, लेकिन उनके द्वारा जो मापदंड स्थापित किए गए थे नई आलोचना के संबंध में, उसको नए आलोचकों ने भी अपनाया और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो सबसे बड़े आलोचक क्या है नई आलोचना के, सच्चिदानंद, नई समीक्षा के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय ने हिंदी आलोचना में नई कविता के आस्वाद, नई कविता का आस्वाद मतलब उसे जो आनंद प्राप्त करना, रस ग्रहण करना, इसको बोला जाता है आस्वाद, और मूल्यांकन के लिए नए आधार तैयार किए। इन्होंने नए नई पृष्ठभूमि तैयार की, नई आलोचना के लिए बैकग्राउंड तैयार किया, मापदंड निर्मित किया। उन्होंने तीसरा सप्तक की भूमिका में कवियों को आलोचना कर्म की ओर प्रवृत्त किया, है ना, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक उन्होंने इनका संपादन किया था। तो तीसरा सप्तक जो कृति है इसकी जब उन्होंने भूमिका लिखी तो उन्होंने कवियों को कहा कि आप कविता तक सीमित मत रहिए बल्कि आलोचना कर्म की ओर भी प्रवृत्त होइए। अज्ञेय ने अपनी कविता की व्याख्या के साथ ही अपने कुछ समकालीन कवियों की समीक्षाएं भी लिखी, उन्होंने अपनी कविता की व्याख्या भी की और कुछ उनके समकालीन जो कवि थे, कंटेम्प्ररी जो पोएट्स थे, उनके बारे में उन्होंने समीक्षा भी लिखी, आलोचना भी लिखी। इतना ही नहीं, काव्य तथा साहित्य संबंधी कुछ सैद्धांतिक स्थापनाएं भी की उन्होंने, काव्य के संबंध में, साहित्य के संबंध में अपने कुछ विचार भी व्यक्त किए, कुछ मापदंड निर्मित किए, कुछ सैद्धांतिक स्थापनाएं भी की, कुछ नई अवधारणाएं प्रस्तुत की। आधुनिक हिंदी कविता के संकलन पुष्करिणी की भूमिका में उन्होंने जो आधुनिक कविता के विस्तृत आलोचना की है वह उल्लेखनीय है। तो पुष्करिणी नाम की एक जो कविता का संकलन है उसकी उन्होंने भूमिका लिखी, उसके उसके भूमिका में उन्होंने क्या लिखा कि आधुनिक कविता क्या है, नई कविता क्या है, उसकी उन्होंने विस्तृत आलोचना की है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अज्ञेय ने आरंभ में फ्रायड और एडलर के मनोविश्लेषण से प्रभावित होकर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किंतु बाद में आगे चलकर उसे छोड़ दिया। शुरुआत में ये फ्रायड, एडलर इत्यादि जो मनोविश्लेषणवादी हैं विदेशों के, उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहे, उनके आधार पर उन्होंने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया। उनके परवर्ती विचारों के लिए आत्मनेपद 1960 ईस्वी और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब जब उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का रास्ता छोड़ दिया तो बाद में जो उनके विचार हैं उनको यदि हमको समझना है तो उनकी दो प्रमुख कृतियां हैं आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, इसको हमको अध्ययन करना पड़ेगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञेय ने प्रयोग पर विशेष बल दिया, इन्हें प्रयोगवादी कहा जाता है, नए नए प्रयोग करना, नए नए शब्दों के का उपयोग करना, इनका प्रयोग करना और नए नए अर्थ प्रदान करना, इसलिए इन्हें प्रयोगवादी भी कहा जाता है, इस पर विशेष बल दिया। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों क्षेत्रों में प्रयोग को नया स्वरूप प्रदान किया। काव्य में उन्होंने प्रतीक के महत्व पर बल दिया, नए नए प्रतीक
उन्होंने नए नए प्रतीक दिए हैं हिंदी साहित्य को, तो काव्य में नए प्रतीकों के प्रयोग पर उन्होंने बल प्रदान किया। उन्होंने अपनी आलोचना द्वारा नई कविता को प्रतिष्ठित करने के साथ ही साथ उसके मूल्यांकन के प्रतिमान भी तय किए। तो उन्होंने अपनी आलोचना के द्वारा न केवल नई कविता को स्थापित किया बल्कि उसके मूल्यांकन, उसकी आलोचना या उसकी समीक्षा के नए मापदंड भी निर्धारित किए, तय किए। अब गजानन माधव मुक्ति बोध वास्तव में तो मार्क्सवादी आलोचक है, लेकिन इन्हें नए समीक्षकों में भी गिना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक तो ये हैं ही, लेकिन इन्हें नई समीक्षा के आलोचकों में भी इन्हें गिना जाता है। मुक्तिबोध ने व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी है, मतलब उन्होंने कोई सिद्धांत प्रदान नहीं किया बल्कि व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ लिखे हैं। कामायनी एक पुनर्विचार में कामायनी का उन्होंने इसी दृष्टि से विश्लेषण किया है। कामायनी एक पुनर्विचार इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, तो इसे हम नई समीक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर नाम के एक आलोचक हुए हैं नई समीक्षा के। गिरिजा कुमार माथुर ने नई कविता के शिल्प पक्ष, मतलब उसकी बनावट और बुनावट के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष पर भी विचार किया है। उनके आलोचनात्मक निबंधों का संकलन नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कविता की आलोचना में उन्होंने अस्वीकृति का नवोन्मेष नामक निबंध में लिखी है ना, कविता की आलोचना इस कृति में उन्होंने लिखी है, अस्वीकृति का नवोन्मेष नामक निबंध में लिखी। गिरिजा कुमार माथुर के आलोचनात्मक लेखों से आधुनिक भावबोध का वैज्ञानिक पक्ष उजागर होता है। आधुनिक भावबोध मतलब जो आधुनिकता की अवधारणा है, जो आधुनिक भावबोध है, जो मॉडर्न फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, तो इनके आलोचनात्मक लेखों से इनका यह पक्ष उजागर होता है, स्पष्ट होता है। शमशेर बहादुर सिंह, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने हंस और नया साहित्य पत्रिकाओं में काफी दिनों तक समकालीन कृतियों की समीक्षाएं लिखी, जिनका संकलन दो आब 1947 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुआ। तो इनकी जो नई समीक्षाएं हैं, नई कृतियों की, अब समकालीन कृतियों की जो समीक्षाएं हैं, वह दो आब नामक किताब में प्रकाशित हुई है। इन समीक्षाओं में, क्या क्या शामिल है, तार सप्तक की समीक्षा, तार सप्तक जिसका संपादन अज्ञेय ने किया था, इसकी समीक्षा उल्लेखनीय है। मुक्त छंद निबंध में भी महत्वपूर्ण विवेचन प्राप्त होता है। तो इनका जो निबंध है मुक्त छंद, इसमें भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नई कविता के संबंध में अपनी आलोचनात्मक विचारों को अभिव्यक्त किया है। इसके बाद धर्मवीर भारती प्रयोगशील नई कविता के पक्षधर थे, मतलब नई कविता में नए नए प्रयोग किया जाना चाहिए, यह इनको पसंद था। उन्होंने नई कविता के मूल्यों को सैद्धांतिक स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने नई कविता में जो मूल्य परिलक्षित हो रहे थे उसको उन्होंने सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियां कौन कौन सी हैं, साहित्य और मानव मूल्य जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और पश्यंती 1969 ईस्वी। या पश्यंती और इन साहित्य और मानव मूल्य और पश्यंती को प्रायः यूजीसी नेट में पूछा भी जाता है और कई प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि यह किसकी आलोचनात्मक कृति है। नलिन विलोचन शर्मा अति प्रयोगशील प्रपद्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रपद्यवाद एक नया वाद इन्होंने शुरू किया था जिसे नकेनवाद भी कहते हैं, इसमें तीन कवि शामिल थे, नकेनवाद है ना। तो इनमें तीन कवि का आप नाम बाद में देख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। नलिन विलोचन शर्मा, नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह दृष्टिकोण नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ भी लिखा। तो इनके जो आलोचनात्मक लेख हैं इनका संग्रह कहा जाता है दृष्टिकोण, और इसके अतिरिक्त इनका अन्य आलोचनात्मक कृति है साहित्य का इतिहास दर्शन। बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक है नलिन विलोचन शर्मा। नेमी चंद्र जैन ने कविता, उपन्यास, नाटक आदि सभी क्षेत्रों में आलोचनाएं लिखी हैं, किंतु कथा समीक्षा और नाट्य समीक्षा में उन्हें विशेष ख्याति मिली है। वैसे तो इन्होंने कई प्रकार की समीक्षाएं लिखी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि, लेकिन इनका जो महत्व है वह कथा समीक्षा और नाट्य समीक्षा में अत्यधिक महत्व है इनका, इनको विशेष ख्याति मिली। अधूरे साक्षात्कार पुस्तक में उन्होंने समकालीन उपन्यासों पर महत्वपूर्ण आलोचना लिखी है, मतलब जो समकालीन आलोचना उपन्यास है, कंटेम्प्ररी जो नॉवेल्स हैं, उनके संबंध में उन्होंने अधूरे साक्षात्कार नाम की कृति लिखी है जिसमें उनके आलोचना संग्रहित है। इसी प्रकार रंग दर्शन में नाट्य रंगमंच की विवेचना की गई है, तो नाटक में इनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई नाटक की आलोचना में। रंग दर्शन जो 1957 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने नाटक और रंगमंच की विवेचना की है, उनकी समीक्षा की है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने मानवीय संवेदना को साहित्य में सर्वोपरि माना है, मतलब ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस
और सेंसेस, इसको इन्होंने सेंटीमेंट्स, इसको उन्होंने साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। उनकी नई कविता के प्रतिमान जो 1957 में प्रकाशित थी पुस्तक को नई कविता पर पहली आलोचना पुस्तक माना जाता है। तो देखिये, नई कविता पर कोई पहली आलोचना जो पुस्तक आई थी वह थी लक्ष्मीकांत वर्मा जी की नई कविता के प्रतिमान, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके बाद अन्य आलोचक हैं, उपर्युक्त आलोचकों के साथ साथ कई अन्य आलोचक भी महत्वपूर्ण हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ आदि। इन नए आलोचकों द्वारा हिंदी आलोचना में साहित्य को जांचने परखने के लिए नए मूल्य विकसित हुए, विश्लेषण की नई प्रणाली बनी, नई भाषा का विकास हुआ। तो इनके महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या है? नए इन्होंने मूल्य दिए, नए मापदंड दिए, विश्लेषण की, आलोचना की नई प्रणाली विकसित की और नई भाषा का विकास किया, ये इनका योगदान है। नामवर सिंह जाने माने आलोचक हैं। तो इनकी जो दूसरी परंपरा की खोज बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है और ये किसके व्यक्तित्व पर आधारित है। तो नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज जो 1982 में प्रकाशित थी, इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ध्यान में रखें, दूसरी परंपरा की खोज में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समस्त कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विपरीत दूसरी परंपरा का वाहक बताया। हिंदी आलोचना में शुक्ल बनाम द्विवेदी की जो बहस चली उसमें इस पुस्तक की निर्णायक भूमिका है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मापदंड अलग थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मापदंड अलग थे। तो इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, इन दोनों की क्या क्या आलोचना दृष्टि है, आलोचनात्मक विचार कौन कौन से हैं, आलोचना दृष्टि कैसी है, तो इसकी इस पर जो बहस चली उसमें इस जो विचार विमर्श हुआ उसमें इस पुस्तक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ अन्य विशिष्ट आलोचक हैं, जो नई समीक्षा के कुछ अन्य विशिष्ट महत्वपूर्ण आलोचक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिनका स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब भारत की आजादी के बाद जो हिंदी आलोचना का विकास हुआ उसमें इन आलोचकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नलिन विलोचन शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा रूपवादी आलोचक थे। रूपवादी आलोचक मतलब रूसी रूपवाद, जिसमें काव्य के रूप या साहित्य के रूप पर अधिक महत्व दिया जाता था। यह एक अलग ही चैप्टर है रूसी रूपवाद, जिसमें रूप पर अधिक महत्व दिया जाता है, ये इन्हें रूपवादी समीक्षक माना जाता है। लेकिन उनका रूपवाद व्यापक और उदार था। उनके लिए रूपवाद एक ऐसा साहित्यिक मूल्य है जिसके आधार पर वे किसी अपनी आलोचना में किसी साहित्यिक कृति को साहित्येतर कारणों से नहीं बल्कि साहित्यिक कारणों से कमतर या श्रेष्ठ घोषित करते हैं। उन्होंने साहित्य कला की दृष्टि से प्रेमचंद के महत्व को प्रतिपादित किया। मतलब किसी साहित्यिक कृति का मूल्यांकन साहित्य से बाहर के मूल्यों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि साहित्य की आलोचना के जो वास्तव में जो मापदंड है उसके आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने साहित्य कला की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद के महत्व को प्रतिपादित किया कि मुंशी प्रेमचंद की कला का क्या महत्व है साहित्य कला की दृष्टि से। रेणु के उपन्यास महिला अंचल के महत्व की ओर सबसे पहले हिंदी जगत का ध्यान खींचने का श्रेय नलिन विलोचन शर्मा को ही जाता है। उनका भारतीय साहित्य, आधुनिक साहित्य और पाश्चात्य साहित्य तीनों में समान अधिकार था। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो आंचलिक उपन्यास है महिला अंचल, तो उसके महत्व की ओर सबसे पहले इन्होंने साहित्य जगत का आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया, तो इसका श्रेय इन्हें जाता है। और इनका केवल भारतीय साहित्य में नहीं बल्कि भारतीय साहित्य और आधुनिक जो समकालीन साहित्य है और जो पाश्चात्य साहित्य है तीनों का इनको बराबर ज्ञान था, इनका इन्होंने अध्ययन किया था और तीनों में उनका समान अधिकार था, उनकी आलोचना में वे सिद्धहस्त थे। उनका आलोचनात्मक लेखन 1940 से 1961 के बीच का है, ये इनका पीरियड है। साहित्य संबंधी शायद ही कोई विषय हो जिस पर उन्होंने विचार न किया हो। उपन्यास उनकी आलोचना का सबसे शक्तिशाली पक्ष है। उपन्यास की आलोचना में उनको सबसे ज्यादा महारत हासिल है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद आदि उनकी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि न तो इतिहास निरपेक्ष है, मतलब इतिहास से निरपेक्ष नहीं, इतिहास सापेक्ष है, इतिहास को ध्यान में रखकर करते हैं, और न ही समाज निरपेक्ष, मतलब समाज से हटकर भी वे समीक्षा नहीं करते, मतलब समाज को ध्यान में रखते हुए और इतिहास को ध्यान में रखते हुए समीक्षा करते हैं, पर वे इतिहास और समाज के साथ साहित्य के रिश्ते के संबंध में मार्क्सवादी आलोचना की मान्यताओं से सहमत नहीं है। मतलब मार्क्सवादी आलोचना क्या बताता है इतिहास और समाज के संबंध में? मार्क्सवादी आलोचना यह बताता है कि समाज हमेशा से दो भागों में विभक्त रहा है, शोषक और शोषित।
मार्क्सवादी आलोचना के जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं, उसे वे सहमत नहीं है। इस दृष्टि से उनका निबंध मार्क्सवादी समीक्षा की कम्युनिस्ट परिणति उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना के संकीर्णतावाद को लक्षित किया। इन्होंने बताया कि जो मार्क्सवादी आलोचना है वो कितनी संकीर्ण है और किस प्रकार से उसमें संकीर्णता है, इसका इसमें उन्होंने उल्लेख किया है, इसकी व्याख्या की है। और ये जो है लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट आदि जैसे उनके कुछ निबंधों की चर्चा आलोचना में लंबे समय तक होती रही है। तो इनके प्रमुख निबंध हैं जिन पर आज भी विचार विमर्श होता है। प्रखर आलोचनात्मक निबंधों के अतिरिक्त साही की आलोचनात्मक कृति जायसी हिंदी आलोचना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो विजय देवनारायण साही की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है जायसी। जायसी के ऊपर जो उनकी आलोचना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पुस्तक में उन्होंने जायसी की कवि दृष्टि और उनके काव्य सौंदर्य का जिस तरह से उद्घाटन किया है, यह विलक्षण है। जायसी का उन्होंने उनके काव्य में निहित सौंदर्य का उद्घाटन उन्होंने किया है, उनका दृष्टिकोण क्या है इसका उन्होंने उद्घाटन यहाँ पर किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विलक्षण है। रघुवंश नाम के एक आलोचक हुए हैं। रघुवंश की उल्लेखनीय आलोचनात्मक कृति साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य है, यह उनके आलोचनात्मक निबंधों का प्रतिनिधि चयन है। तो इनकी एक आलोचनात्मक कृति है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। नई कविता पर विचार करते हुए उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, यह उनका अत्यंत प्रमुख निबंध है। सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर साहित्य सृजन के वे पक्षधर नहीं है। तो उनका कहना है कि साहित्य के जो सर्जक है उसको सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर किसी कलाकृति की रचना नहीं करनी चाहिए, भले ही समाज के लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन समाज को की उपयोगिता को ध्यान में रखकर उनको काव्य सृजन या साहित्य सृजन में संलग्न नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक रचनाशीलता के संदर्भ में भारतीय काव्य शास्त्र की अर्थवत्ता पर गंभीरता से विचार किया है। मतलब आधुनिक समय में जो रचनाएं रची जा रही हैं, जो लिखे जा रहे हैं, उसमें भारतीय काव्य शास्त्र का कितना महत्व है और भारतीय काव्य शास्त्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसमें कितनी अर्थ की संपन्नता है, कितने बेहतरीन अर्थ है उसमें, कितने बेहतरीन तरीके से भारतीय काव्य शास्त्र का विकास हुआ है, इस पर इन्होंने गंभीरता से विचार किया है आधुनिक रचनाशीलता के संदर्भ में, आधुनिक रचनाओं के संदर्भ में। रामस्वरूप चतुर्वेदी आधुनिक साहित्य के आलोचक हैं। कामायनी, अज्ञेय और रामचंद्र शुक्ल पर इन्होंने महत्वपूर्ण लिखा है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें इन्होंने कामायनी का रचना विधान और बिंब विधान का गहराई से मूल्यांकन किया है कि कामायनी की रचना कैसे हुई, किस प्रकार हुई और किस पर यह आधारित है, और बिंब विधान है ना, बिंब और प्रतीक पर मैं अलग से लेक्चर बनाया हुआ हूँ, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं बिंब विधान को जानने के लिए, बिंब का निर्माण कैसे करते हैं। अपने प्रिय रचनाकार अज्ञेय पर उन्होंने अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या जैसी उल्लेखनीय किताब लिखी, जो उन पर लिखी गई कुछ बेहतरीन पुस्तकों में शामिल है। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या उनका प्रसिद्ध किताब है जो अज्ञेय पर है। अज्ञेय उनके प्रिय रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इनकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है। उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, इतिहास और आलोचना दृष्टि तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना, उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं यहाँ पर नए समीक्षक हैं, नई समीक्षा के समीक्षक। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता और प्रयोगवाद को केंद्र में रखकर काव्य आलोचना का मानदंड तैयार करते हैं। इन्होंने कुछ नए सिद्धांत, नई अवधारणाएं दी हैं नई कविता और प्रयोगवाद को केंद्र में रखकर। उनकी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान नई कविता को समझने का पहला व्यवस्थित प्रयास है। नई कविता को यदि आपको समझना है तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की नई कविता के प्रतिमान को पढ़ना होगा। इसी पुस्तक में उन्होंने नई कविता के संदर्भ में लघु मानव की अपनी प्रसिद्ध मान्यता रखी है। लघु मानव की इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की है नई कविता के संबंध में। लघु मानव यह भी परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि लघु मानव किसकी अवधारणा है, लक्ष्मीकांत वर्मा जी की, मतलब जो आम जनता जो उपेक्षित है वह लघु मानव है। उन्होंने नई कविता के मूल्यांकन के लिए रस जैसे पुराने काव्य प्रतिमानों की अप्रासंगिकता को उजागर किया है। उनका कहना है कि जो रस सिद्धांत है, रस सिद्धांत में जो उल्लिखित कविता की आलोचना के प्रतिमान है वह अभी प्रासंगिक नहीं है। नई कविता के मूल्यांकन के लिए यह बेकार है, प्रासंगिक नहीं है। काव्य आंदोलन के रूप में नई कविता की रचना प्रक्रिया और उसके वैचारिक भावबोध का उनके द्वारा किया गया विश्लेषण काफी महत्व का है। तो नई कविता जो आंदोलन है उसकी रचना प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और उसका वैचारिक भावबोध, किस प्रकार के दृष्टिकोण का उसमें विकास हुआ है, किस प्रकार की भावनाओं का विकास हुआ है और उसकी अभिव्यक्ति हुई है नई कविता में,
इसका उन्होंने जो विश्लेषण किया है, जो आलोचना की है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेमीचंद जैन जी तार सप्तक के कवि हैं और इन्होंने मुक्ति बोध रचनावली का संपादन किया था। उनकी पुस्तक अधूरे साक्षात्कार उपन्यास की आलोचना में प्रस्थान बिंदु है, मतलब उपन्यास की आलोचना में यह टर्निंग पॉइंट है। अधूरे साक्षात्कार मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है उपन्यास की आलोचना की। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान नाट्यालोचन के क्षेत्र में है, मतलब नाटकों की आलोचना में इन्हें सर्वाधिक सफलता मिली है। उनके द्वारा संपादित पत्रिका नट रंग, ये पत्रिका है कि हिंदी नाट्यालोचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मतलब हिंदी नाटक के आलोचना के विकास में इनकी जो पत्रिका है नट रंग, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। रंग दर्शन और भारतीय नाट्य परंपरा नाट्यालोचन से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आलोचना ग्रंथ है। मतलब नाटक की आलोचना से संबंधित रंग दर्शन और भारतीय नाट्य परंपरा नाटक की आलोचना के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनकी। विजय बहादुर सिंह जी हैं एक। विजय बहादुर सिंह ने छायावाद के तीन कवियों प्रसाद, निराला और पंत की कविताओं को केंद्र में रखकर एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है, छायावाद के कवि। तो छायावाद के कवि जो इन्होंने लिखी, इसमें तीनों कवियों को स्थान दिया है, उनकी आलोचना की है। यह पुस्तक छायावादी काव्य के मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। इसके बाद उन्होंने अपना सर्वाधिक आलोचनात्मक लेखन नागार्जुन को केंद्र में रखकर किया है, बाबा नागार्जुन, नागार्जुन का रचना संसार, नागार्जुन संवाद, कविता और संवेदना आदि उनकी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। आलोचनात्मक पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र ग्रंथावली 8 खंडों में, दुष्यंत कुमार ग्रंथावली 4 खंडों में, नंद दुलारे वाजपेयी ग्रंथावली 8 खंडों का भी संपादन भी किया है। उन्होंने हिंदी आलोचना को देशज संदर्भों में विकसित करने का गंभीर प्रयास किया। देशज मतलब स्थानीय, हिंदी आलोचना के स्थानीय मापदंडों के निर्माण करने में, भारतीय मापदंडों के निर्माण करने में, देशज संदर्भों में हिंदी आलोचना का विकसित करने में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार हमने नई समीक्षा और हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास का यह आखिरी एपिसोड देखा। बाद में मेरे विशेष जो अलग अलग प्रकार के जो आलोचक हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि, इस प्रकार के मेरे अन्य एपिसोड सभी आएंगे, तो इसे आप निरंतर देखते रहें। साथ ही यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स नीचे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। मेरे जितने भी लेक्चर्स रहते हैं उनके आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, वहां पर आपको प्राय और लगभग हमेशा मैं डालता हूँ पीडीएफ, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।